Hi, this is Jogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini. Let me show you what I feel about the Hindi release Rajma Chawal. ये एक फिल्म है जो काफी टाइम पहले एक्चुअली बननी शुरू हुई थी. उसके बाद एक टाइम पे लग रहा था थिएट्रिकल रिलीज होगी, बट देन इट रिलीज डायरेक्टली ऑन Netflix. अभी कुछ दिन पहले ही फिल्म का प्रीमियर हुआ ऑन द डिजिटल मीडियम. फिल्म में है ऋषि कपूर, ही इज द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, और उनके साथ एक न्यू कमर अनिरुद्ध तन्वर. एक फादर और सन की स्टोरी है. एक टाइम पे लगा था कि चलिए कुछ एक्साइटिंग होगा. दिल्ली के चांदनी चौक में फिल्म को सेट किया गया है क्योंकि एक बाप बेटे की कहानी है, तो इट विल टर्न आउट टू बी अ हार्ट वार्मिंग सागा. बट हुआ ऐसा कि राजमा चावल नाम से तो लगता है कि चलिए कुछ चटपटा होगा, हार्ट वार्मिंग भी साथ में होगा, बट देन इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लैंड अफेयर. फिल्म देखने में मजा नहीं आया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, बट एक्चुअली फिल्म बोर करती है. कुछ खास होता ही नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा डिसफंक्शनल दिखाया कि ऋषि कपूर है, साथ में उनका बेटा है अनिरुद्ध. अब उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव मूव्ड टू हिज फादर्स एंसेस्ट्रल प्लेस. वहां पर चांदनी चौक पर उनके काफी सारे भाई भतीजे काफी लोग रहते हैं, तो उन सब के बीच में अनिरुद्ध थोड़ा सा अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं. चलिए यहां तक भी ठीक है. उसके बाद लेकिन जो एक स्टोरी, जो एक पूरा का पूरा प्लॉट डेवलप होता है, थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है. दिखाते ये है कि अब ऋषि कपूर बिकॉज अपने बेटे के करीब आना चाहते हैं, तो फेसबुक पे एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं एमेरा दस्तूर का. उनका एक जो प्रोफाइल है उसको वो यूज करते हैं, उसके साथ ही स्टार्ट्स टू कम्युनिकेट विद अनिरुद्ध, ये देखने के लिए कि चलिए क्या वो रिश्ता एक बन पाता है या नहीं. बट देन उसके बाद जैसा कि फिल्म है तो इतना तो प्लॉट ट्विस्ट आप एक्सपेक्ट करती है, जो अमायरा है वो एक्चुअली अनिरुद्ध की लाइफ में आ जाती है. जैसे ये बात ऋषि कपूर जो है उनको पता चलती है, उसके बाद कहानी क्योंकि एक मोड़ लेती है, और अब देखना ये होता है कि क्या इस फेक प्रोफाइल के साथ एक रिलेशन चलता रहेगा या कहानी में कुछ और ट्विस्ट आएगा. अब ये जो फिल्म की कहानी है ये एक्चुअली एक रोमकॉम बन सकती थी, एक रोमांटिक कॉमेडी होती है अगर अमायरा और अनिरुद्ध के बीच में. एक फादर का एंगल जस्ट एक अलग से होगा था तो भी शायद कुछ बात बन पाती, बट देन यहाँ पर जो डायरेक्टर लीना यादव है वो काफी कुछ चीजें साथ में लाने की कोशिश करती है. वो बाप बेटे की कहानी बनाने की कोशिश करती है, वो एक रोमकॉम भी बनाने की कोशिश करती है, और उनके साथ में एक जो और एंगल आ जाता है कि जो बेटा है वो अपना एक रॉक बैंड बना रहा है, तो वहां पर भी एक स्टोरी आ जाती है. तो इतनी चीजें मिक्स होती है वहां पर, जहां फिल्म शायद बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ट हो जाती है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्लो चलती रहती है, तो कुछ खास होता ही नहीं है. वो एक के बाद एक चीजें जो है वो रिपीट होती रहती है. वो फेक प्रोफाइल बना, ऋषि कपूर कैसे उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेटा है वो कैसे एक रिलेशन में वापस आ रहा है फादर के साथ, लेकिन कहीं उसको लगता है कि धोखा हो रहा है. मीनवाइल जो लड़की है वो भी कुछ धोखा दे रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राजमा चावल नहीं है फिल्म का नाम, खिचड़ी होना चाहिए था, बिकॉज राजमा चावल की जगह फिल्म में पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाती है. हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स कुछ खास आती नहीं है, हंसी तो बिल्कुल आती नहीं है, और जो इमोशनल मूवमेंट्स है वो भी कुछ खास टच नहीं करते हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो कंफ्लिक्ट है वो भी आपको कहीं पर छूता नहीं है. सो इवेंचुअली इट टर्न्स आउट टू बी जस्ट अबाउट ओके. अब ऐसी फिल्म में आप सोचते हैं कि चलिए परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी आ जाए. अमायरा शी इज जस्ट अबाउट ओके, 3-4 फिल्में कर चुकी है, ठीक ठाक है. अनिरुद्ध एक ही एक्सप्रेशन रहता है थ्रू आउट फेस पर, ही इज गुड लुकिंग, बट देन उस गुड लुक को भी आप कहाँ तक लेकर जाए अगर आपका एक्सप्रेशन एक ही तरीके से, आपका डायलॉग डिलीवरी एक ही तरीके से है, और जो करेक्टर है उसमें उतार चढ़ाव राइटिंग में तो है बट बिहेवियर में नहीं आ रहा है. ऐसा ऋषि कपूर ही हैज ऑफकोर्स डन बेटर, उन्होंने काफी फिल्में पहले करी है, कितनी 100 फिल्में वो कर चुके हैं, और यहाँ पर अगेन बेसिक एक्टिंग जो है वो तो उनसे एक्सपेक्टेड है, वो तो करते ही हैं, बट जिसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ कर जाए कि लोगों को लगे कि चलिए ऋषि कपूर की एक और फिल्म देखी बहुत मजा आया, समहाउ ऐसा होता नहीं है. जस्ट अबाउट ओके साल के बिगनिंग में वो 1 or 2 नॉट आउट पे आए थे, छा गए थे, बट यहाँ पर आते हैं अपना काम करते हैं और जाते हैं, एंड इट टर्न्स आउट टू बी जस्ट अबाउट ओके. सो इवन दो द फिल्म इज जस्ट ऑन डिजिटल मीडियम, क्योंकि थिएटर में अगर आती तो आई एम वेरी श्योर नहीं चलती, बट डिजिटल मीडियम पे भी मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई फिल्म की पहुंच हो पाएगी. इट इज जस्ट अबाउट ओके, आपने देखी देखी नहीं देखी नहीं देखी, इट्स इन दैट काइंड ऑफ कैटेगरी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई माय रेटिंग फॉर द फिल्म इज 2 स्टार्स. दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी.